आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का अगला पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग इक्विलिब्रियम को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करेंगे। और इसीलिए कुछ टर्म्स हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। तो हम लोग को आज इक्विलिब्रियम और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट करना है, इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी का कंसेप्ट बताया था, उसी को हम लोग आगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करेंगे। हम लोग पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स में कि पहली बात तो ये है कि जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस बताया गया था, जिससे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर बताया गया था आपको कि डेल्टा जी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका डेल्टा जी जो होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। ऑल्सो हमने आपको बताया था कि जी इज इक्वल टू आप लोग लिखते हो जी नोट प्लस 2.303 एन आर टी लॉग पी, जहां पर प्रेशर जो है आपका किसमें है, एटीएम यूनिट में है। प्रेशर यहां पर एटीएम यूनिट में है। गैसियस रिएक्टेंट के लिए यूज करते हो ऐसा, अगर यही सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन हो रहा होगा तो आप यूज करते हो 2.303 एन आर टी लॉग सी, जहां पे सी जो है कंसेंट्रेशन इन मोलरिटी है। ये चीजें हैं जो हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंतिम क्लास में ये सभी चीजें हमने बताया था, ये डेरिवेशन किया था। जिस तरह से ये होता है उसी तरह से ये भी होता है। अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिएक्शन कोएफिशिएंट से डेल जी को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ही आगे जा करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करने वाले हैं। हम लोग एक जनरल कंसीडर करते हैं रिएक्शन, कंसीडर ए जनरल बैलेंस्ड गैसियस रिएक्शन, कंसीडर ए जनरल बैलेंस्ड गैसियस रिएक्शन, एक जनरल बैलेंस्ड गैसियस रिएक्शन कंसीडर करते हैं। अल्फा ए गैस को हमने क्या किया, बीटा बी गैस के साथ रिएक्शन कराया, बन गया गामा सी गैस और प्लस डेल्टा डी गैस, ठीक है। हमने गैसियस रिएक्शन लिया जिसमें कि इस तरह से रिएक्शन हो रहा है। अब अगर हम बात करें डेल जी का तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे डेल जी का फॉर्मूला होगा गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आप सभी लोग जान रहे होंगे। तो अगर हम इन सबको लिखना चाहें तो आप लिखोगे ऐसे, गामा फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ सी और डेल्टा गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी माइनस अल्फा गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बीटा गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अगर हम इन सबको रिलेट करना चाहें आपस में तो आप देखोगे आएगा आपके पास गामा जी नोट एफ ऑफ सी। हम क्या करते हैं, गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्लस 2.303 गामा आर टी, क्योंकि पर मोल डिफाइन होता है इसलिए एक मोल होगा लेकिन गामा से क्या है यहां पे, तो इसलिए गामा हम लिख रहे हैं दैट विल इक्वल टू पीसी प्लस डेल्टा जी ऑफ जी नोट फॉर्मेशन ऑफ डी और प्लस 2.303 डेल्टा आर टी लॉन्ग पी डी और माइनस आप क्या करोगे अल्फा जी नोट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस 2.303 अल्फा आर टी लॉन्ग पी ए प्लस बीटा जी नोट फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस 2.303 बीटा आर टी लॉग पी, ठीक है। इन सबको अगर हम रिलेट करें तो क्या होगा आपका गामा जी नोट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डेल्टा जी नोट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी माइनस अल्फा जी नोट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बीटा जी नोट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ये हो गया प्लस 2.303 आर टी लॉग, आप देखोगे यहां पे क्या आएगा लॉग
पीसी टू दी पावर गामा प्लस लॉग पीडी टू दी पावर डेल्टा माइनस लॉग पीए टू दी पावर अल्फा माइनस लॉग पीवी टू दी पावर बीटा। हमने यही किया है, ये माइनस वाले को हम उधर एडजस्ट कर दिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ नहीं बल्कि डेल्टा जी नोट है, ठीक है। हमने बस इसी को एडजस्ट किया, ये और ये को एक साथ किया। अब जैसा आप देख रहे होंगे कि जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड केस में लिखा हुआ है, इसकी डेल्टा जी नोट हो जाएगा। ये गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड स्टेट माइनस गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट इन स्टैंडर्ड स्टेट दैट विल इक्वल टू डेल्टा जी नोट। और प्लस आप देखो वहां पे 2.303 लॉग सॉरी आरटी लॉग पीसी टू दी पावर गामा पीडी टू पावर डेल्टा डिवाइड बाय पीए टू दी पावर अल्फा और पीवी टू दी पावर बीटा। तो अगर हम इन सबको रिलेट करें तो आपके पास हो जाएगा डेल जी नोट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यूपी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नोट। This is the relationship between delta G and delta G note, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, delta G और delta G note को रिलेट कर सकते हो। ओके, अब देखिए गौर कीजिएगा, ये gaseous के लिए ऐसे है, फॉर gaseous reacted and product, gaseous reacted and product आप क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यूपी। अगर फॉर रिएक्शन हैपनिंग इन सॉल्यूशन, अगर आपका रिएक्शन जो है सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है, रिएक्शन हैपनिंग इन सॉल्यूशन, आप क्या करोगे, यूज करोगे आप डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यूसी। मतलब हम लोग कंबाइली कह सकते हैं, कंबाइली भी है हमारे पास, सिंपली क्या होगा डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यू। गैसियस रहेगा तो हम लोग क्यूपी यूज करेंगे, सॉल्यूशन में अगर रिएक्शन रहा तो हम लोग क्यूसी यूज करेंगे। अगर दोनों मिक्सअप रहा तो हम लोग डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे क्यूपी और क्यूसी में, बल्कि हम लोग सिंपली क्यू यूज करें। जो रिएक्शन क्वेश्चन का डेफिनेशन दिया गया है, जो रिएक्शन क्वेश्चन का तरीका बताया गया कि रिएक्शन क्वेश्चन में क्या लेना है, उसी को आप यूज करोगे। तो यही आपका फॉर्मूला है डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट के बीच का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने इक्विलिब्रियम से डेल्टा जी को रिलेट कर दिया। अब एक बात गौर कीजिएगा कि एट इक्विलिब्रियम आप जानते हो डेल्टा जी जीरो होता है एंड क्यू बराबर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम होता है। आप यह जान रहे होंगे कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो होगा जीरो के बराबर होगा और क्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। तो अगर इस फॉर्मूला में रखेंगे तो जीरो बराबर हो जाएगा डेल जी नोट प्लस 2.303 आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम। और इससे आपको आ जाएगा निष्कर्ष क्या, इससे आपको निष्कर्ष आ जाएगा डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यही जो है आपका रिलेशन है डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन आपका यही है। इसी रिलेशन को हम यूज करके सवाल करेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डेल्टा जी से रिलेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखिए इस पे बेस ऑफ सवाल करते हैं। एक और बात यहां पे अगर हम चाहें तो आपको बताएं, डेल्टा जी की जगह आप लिख सकते हो डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम। और अगर आप चाहोगे तो लॉग के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू आपको हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइड बाई 2.303 आरटी और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा एस नोट डिवाइड बाई 2.303 आर। इस फॉर्मूला को हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, जब हम लोग ली चैडल प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो एंथैल्पी के साथ के इक्विलिब्रियम को रिलेट किया था, वहां पर ये टर्म नहीं आ रहा था। हमने अरेनियस इक्वेशन से इसको डिराइव किया था और बताया था कि ये टर्म एक कॉन्स्टेंट टर्म यहां पर नहीं आ रहा था वहां पर,
यहां पर तो आपको दिख रहा होगा कि कांस्टेंट टर्म आ रहा है, लेकिन वहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा था। कारण उसका ये था कि आरएनएस कांस्टेंट को हम लोग टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट लिए, जो कि एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ट्रू है। अगर हम लॉग के इक्विलिब्रियम को प्लॉट करेंगे, लॉग के इक्विलिब्रियम को अगर हम प्लॉट करें 1/T के वर्सेस, तो आपको एक इंटरसेप्ट आएगा। इंटरसेप्ट आपका कितना होगा, डेल्टा एस नो डिवाइड बाय 2.303 R, दिस इज द इंटरसेप्ट। और इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस स्लोप जो होगा इसका, स्लोप जो होगा इसका क्या होगा, माइनस डेल्टा एच नो डिवाइड बाय 2.303 R। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है, स्लोप डिपेंड करता है डेल्टा एच नोट के साइन। अगर आपका डेल्टा एच नोट निगेटिव है तो इसी तरह का लाइन होगा, डेल्टा एच नोट अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका जो लाइन होगा इस तरह का होगा, स्लोप निगेटिव हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा डेल्टा एच नोट के साइन पे, ठीक है। जैसा डेल्टा एच नोट रहेगा उस अनुसार से आपका पॉजिटिव या निगेटिव स्लोप आएगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग थोड़ा पहले भी कर चुके हैं, बस वहां पे कॉन्स्टेंट टर्म नहीं अपियर हुआ था, यहाँ पे एक्चुअल में कॉन्स्टेंट टर्म अपियर हो रहा है, और यही एग्जैक्ट रिलेशन है। अब देखिए हम आपको कुछ सवाल देते हैं। फॉर द रिएक्शन टू ए गैस प्लस बी गैस, रिएक्शन करके बना रहा है ए टू बी गैस, के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 1 U··10 एट 300 केल्विन, ठीक है। इफ डेल्टा एस नोट दिया हुआ है 5 J/K, देन कैलकुलेट डेल्टा ई नोट निकालना है। देखिए आप जानते हो कि डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम, एंड दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा -2.303, जूल में रखना है 8.314 × 300, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर का वैल्यू 300, लॉग के इक्विलिब्रियम, तो लॉग 10⁻¹। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा आ जाएगा -2.303 प्लस में आ जाएगा × 8.314 × 3000 J। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट, ठीक है। अब डेल्टा जी नोट ये है, तो आप जानते हो कि डेल्टा जी नोट के जगह आप लिख सकते हो डेल्टा एस नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, एंड दैट विल इक्वल टू 2.303 × 8.314 × 300 J। अब डेल्टा एस नोट को आप क्या करोगे, डेल्टा एच नोट माइनस ये क्या होगा, टेम्परेचर होगा 300 × 5, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2.303 8.314 × 3000 J। तो आपका डेल्टा एच नोट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आप देख सकते हो कि 1500 और प्लस 2.303 × 8.314 × 3000 J। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नोट, ये जो है आपका डेल्टा एच नोट का वैल्यू हुआ, ठीक है, ये जो है आपका डेल्टा एच नोट का वैल्यू हुआ। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा एच नोट को रिलेट करते हैं डेल्टा ई से, तो डेल्टा एच नोट बराबर आप जानते हो डेल्टा ई नोट और प्लस डेल्टा एनआरटी। तो डेल्टा एच नोट आप जान रहे हो 1500 प्लस, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, 2 × 8.314 × 3000 J विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, और प्लस डेल्टा एम की बात अगर हम करें तो इधर आपके पास 1 मोल गैस है, इधर आपके पास 1 और 2 3 मोल गैस है, तो 1 − 3 8.314 × टेम्परेचर कितना आपका 300 है। तो इस तरह से आप डेल्टा ई नोट आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, डेल्टा ई नोट विल बी इक्वल टू 1500 प्लस 2.303 × 8.314 × 3000 और प्लस इधर से आप देखोगे उधर से आगे 2 × 8.314 × 300 J आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई नोट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई नोट फॉर दिस रिएक्शन। तो हमने
हमने यही किया कि पहले सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से डेल जी नोट निकाला, डेल जी नोट से डेल एच नोट निकाला, क्योंकि डेल एच नोट दिया हुआ था तो टेम्परेचर दिया हुआ था, डेल एच दिया हुआ था डेल एच निकल गया, और डेल एच से फिर डेल ई प्लस डेल एन आर टी हमने गैसियस रिएक्शन के लिए यूज किया। इस तरह से हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या होगा आपका डेल ई वैल्यू फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन दे रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा कर्व जो है इसमें से एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिपेंड करता है? चार कर्व दे रहे हैं आपको, ठीक है, ए बी सी और डी, ये चार कर्व हम आपको दे रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से स्पॉन्टेनियस कर्व, कौन इसमें से स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बता रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए ये जो है रिएक्टेंट का जी है, जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये जो है गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, और ये जो है गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, और ये जो है गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। तो सबका हमने गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को लिखा, प्लॉट कर रहे थे। चार कर दिया हुआ है जी के साथ, रिएक्शन प्रोग्रेस है, इस तरह से रिएक्शन प्रोग्रेस है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस प्लॉट किया नीचे। तो पूछा जा रहा है बताइए कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, आसान सवाल है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन सवाल है, बहुत इजी सवाल है। डेल जी जो होना चाहिए मतलब गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। इसका मतलब गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए हम गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट कहां पे ज्यादा है, सिर्फ यही एक केस है जहां पे गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है, ठीक है, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है। तो ये अगर आप गौर करोगे तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम इसकी बात करें तो देखोगे प्रोडक्ट का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहां पे आप गौर करोगे कि डेल जी जीरो है मतलब गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर है, जो कि बहुत रेयर केस होगा, ऐसा होना बहुत मुश्किल केस है कि जहां पे गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो हो जाए, बिकॉज दोनों अलग अलग चीजें हैं, रिएक्टेंट अलग होता है प्रोडक्ट अलग होता है, तो उनका गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन अलग होगा, तो दोनों का सेम हो जाए ये बहुत रेयर है, ये वेरी रेयर रिएक्शन, इस तरह का रिएक्शन बहुत रेयर होगा। ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और ये क्या होगा,
इस तरह का रिएक्शन होगा ही, इस तरह का रिएक्शन होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? पॉइंट ये है कि रिएक्शन तभी प्रोसीड करता है, ये थर्मोडायनामिकली नॉट फिजिबल, थर्मोडायनामिकली अनफेवरेबल रिएक्शन है, थर्मोडायनामिकली अनफेवरेबल रिएक्शन है, बिकॉज थर्मोडायनामिकली कोई रिएक्शन अनफेवरेबल रिएक्शन, बिकॉज थर्मोडायनामिकली रिएक्शन तभी फेवरेबल हो सकता है जब जी जो है घटना शुरू, जी जब घटेगा मतलब डेल जी जब निगेटिव साइन रखेगा, शुरुआत में देखिएगा डेल जी निगेटिव आ रहा है, डेल जी निगेटिव आ रहा है, डेल जी निगेटिव रखने से ही रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना शुरू करेगा, जब डेल जी आप पॉजिटिव रख रहे हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड ही नहीं करेगा, और जब प्रोसीड ही नहीं करेगा तो फिर प्रोडक्ट बनने का कोई चांस ही नहीं है, तो थर्मोडायनामिकली अनफेवरेबल रिएक्शन बता रहा है, ये सब थर्मोडायनामिकली फेवरेबल है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और ये बहुत रेयर रिएक्शन है, बिकॉज ऐसा होना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का रिएक्शन एनर्जी फॉर्मेशन सेम हो जाए, ये बहुत मुश्किल केस है, ठीक है। चलो तो देखिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, फॉर द रिएक्शन टू एनओ गैस प्लस ओ टू गैस, टू एनओ टू गैस डेल जी नोट इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 200 किलो जूल, इफ मतलब फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर इक्वल टू 300 केल्विन, टेम्परेचर इतना ही दिया हुआ है, ऑल्सो कैलकुलेट डेल जी नोट एफ ऑफ एनओ, इफ डेल जी नोट एफ ऑफ एनओ टू दिया हुआ है माइनस 100 किलो जूल पर मोल, ये हम डेटा अपनी मर्जी से दे रहे हैं, डेटा को एकदम राउंड फिगर में दे रहे हैं बार बार ताकि आपका कैलकुलेशन आसान रहे। देखिए सबसे पहली बात है डेल जी नोट इज इक्वल टू हमारे पास होगा माइनस 2.303 आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम, डेल जी नोट दिया माइनस 200 किलो जूल 10^3 माइनस 2.303 आर का वैल्यू 8.314 टेम्परेचर का वैल्यू है 300 और लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है लॉग के इक्विलिब्रियम। तो अगर हम आपको इसको ये करना चाहे रिलेट करना चाहे तो आपको 200 टू समीकरण गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 3 दैट विल बी वैल्यू ऑफ लॉग के इक्विलिब्रियम। अब आप के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो बाय टेकिंग एंटीलॉग, एंटीलॉग हो जाएगा किसका, आप एंटीलॉग टेबल यहां यूज करना होगा जो आप कर लोगे खुद से क्योंकि हम आपको अभी यहां नहीं बता रहे एंटीलॉग लेना कैसे है, ठीक है तो ये जो है एंटीलॉग लेकर कर लोगे आप। अब रही बात डेल जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ का, तो आप जानते हो केमिकल रिएक्शन में डेल जी नोट क्या होगा, डेल जी नोट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल जी नोट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब डेल जी नोट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू डेल जी नोट फॉर्मेशन ऑफ एनओ टू माइनस, माइनस हो जाएगा 2 इंटू डेल जी नोट फॉर्मेशन ऑफ एनओ और प्लस 1 इंटू डेल जी नोट फॉर्मेशन ऑफ ओ टू, डेल जी नोट फॉर्मेशन ऑफ ओ टू क्या हो गया जीरो हो गया, तो इससे आप देखोगे कि डेल जी नोट, इससे आप देखोगे कि डेल जी नोट को आप आसानी से रिलेट कर सकते हो, डेल जी नोट विल बी इक्वल टू माइनस 200 किलो जूल एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम माइनस 150 कर देते हैं, ठीक है या माइनस 50 कर लेते हैं, नोट 150 कर लेते हैं, माइनस 50 कर लेते हैं, तो देखोगे आप डेल जी नोट फॉर्मेशन कितना हो जाएगा माइनस, अब देखोगे हो जाएगा 2 इंटू माइनस 50 और माइनस 2 इंटू डेल जी नोट फॉर्मेशन ऑफ एनओ, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू डेल जी नोट फॉर्मेशन ऑफ एनओ विल बी इक्वल टू माइनस 200 और प्लस 150 मतलब सॉरी 100, अब देखो तो इसको इधर किया हमने, इसको उधर किया तो प्लस में आ जाएगा ये माइनस में रहेगा, तो आ जाएगा 100 किलो जूल,
इससे आप डेल्जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ एनो जो होगा आपका क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 2 किलोजूल मतलब 50 किलोजूल पर मोल. दिस इज द डेल्जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ एनो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा. हमने यहाँ पे 50 माइनस 50 किया बिकॉज डेटा अगर आप 100 रखते हो तो 0 ही करीब आ जाएगा जो कि सही नहीं है, मतलब जो कि अच्छा नहीं है, इसलिए हमने क्या किया उसको डेटा को चेंज कर दिया. तो इसी तरह का सवाल जो है आपको फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन प्रोसेस से रिलेटेड पूछा जाएगा. इस तरह का चीजों को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं खासकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मेजर फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला नर्नेस्ट इक्वेशन वो जो है इसी जो फॉर्मूला है डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू उसी से आता है. ठीक है, इस तरह से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर को फिनिश करते हैं. अगले क्लास से हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे जिसमें कि हम लोग जो भी केमिकल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन करा करेंगे एज वेल एज सम न्यू कंसेप्ट भी सीखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का. लेकिन ये श्योर है कि केमिकल इक्विलिब्रियम आपका स्ट्रांग होना चाहिए तब जाकर के आप आयनिक इक्विलिब्रियम को तरीके से समझ पाओगे और आयनिक इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल अप्रोच ले पाओगे, बिकॉज आयनिक इक्विलिब्रियम एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, उसको पढ़ने का तरीका अलग होता है और हम लोग बहुत अच्छे से आयनिक इक्विलिब्रियम को अगले क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे.